गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखिए कुल्लू वैली और ये हमारा होटल है जहाँ पे हम रुके थे, और ये वो मैदान है जहाँ पे कुल्लू दशहरा मनाया जाता है, और ये हमारी गाड़ी देखिए सुबह सुबह कितनी ओस जम चुकी है इसमें, बिल्कुल ओस खतरनाक तरीके से, और आज मौसम भी बड़ा अच्छा है। अभी हम आगे जाएंगे उस तरफ मनाली वाली तरफ, और फिर बिजली महादेव के लिए। सो आइए चलते हैं, डे टू की शुरुआत करते हैं आज बिजली महादेव, चलते हैं। अभी हमने कुल्लू NH मनाली वाला कुल्लू मनाली NH जो उसको पीछे छोड़ के जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से हमने टर्न लिया राइट साइड को जो बिजली महादेव के लिए, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है आप देख सकते हैं। तो अभी हम सिंगल रोड पे हैं और ये 22 किलोमीटर का रास्ता है सारा बिजली महादेव के लिए, फिर उससे आगे ट्रैक है। चलो चलो चलो, दोस्तों तो ये लास्ट पॉइंट है इस रोड का, और यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी है। तो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं मंदिर को जाने के लिए, एक 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, आइए चलते हैं। चलो भाई, इतनी दूर से तो कुछ नहीं दिख रहा है। चलो साजन जी चले 100 मीटर, चलो मेरे साजन, मेरे साथी, हमारे साथ चलो हमारे सारथी, कितना 1500 मीटर चलेंगे। चलो चलते हैं फिर, तुम्हें जमीन ने ना भी देता हूँ 1500 मीटर, फिर भी आपके पेट का कुछ नहीं हुआ किन्नर के बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत बुरी हालत है दोस्तों, मुझे लगता है मुझे हाइपोथर्मिया हो जाएगा हाँ
तो ऐसे लग रहा है कि हम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि धूप दिख रही है हमें। 9:30 हो गए हैं और पैरों के मसल निकल आए हैं थोड़े। हाँ कि रास्ता कुछ ऐसा है कि सीढ़ियाँ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं और आगे पेड़ ख़त्म होते हुए नज़र आ रही हैं। ऐसे लग रहा है कि हम टॉप पे पहुँच गए हैं और नीचे लिखा था 1.5 किलोमीटर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। है ही नहीं, झूठ लिखा है। और कम से कम वो 2 या 2.5 किलोमीटर तो है और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। रास्ता अच्छा है, बहुत अच्छा रास्ता है, ज़्यादा लोग भी नहीं है, लेकिन लोगों ने अपने प्रत्यक्ष प्रमाण छोड़े हैं। कूड़ा प्रमाण, अरे ये क्या है? अभी अभी ताज़ा ताज़ा खाया गया इसको, ताज़ा 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 इसका लुफ्त उठाया गया है। ओ भाई ये क्या था? घोड़ा ना, घोड़ा था उनका। हाँ, और इन्होंने पहचान भी लिया कि ये खच्चर है या घोड़ा है। खतरनाक बंदे। चलो चलते हैं। ये सामने बिजली महादेव का मंदिर है और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल क्लियर। व्यू पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं आप। जय बिजली महादेव। वही तो बोल रहा था आपको, ये देखिए आप व्यू पॉइंट कितना सुंदर है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। ये मंदिर का प्रांगण है और ये सीधा सामने मंदिर है और व्यू तो आपने देख ही लिया होगा कितना मेस्मराइजिंग है। दोस्तों ये बिजली महादेव है, यहाँ पर हर 12 साल बाद आसमान से बिजली गिरती है और शिवलिंग खंडित हो जाता है। फिर यहाँ पे इसको फिर मक्खन से दोबारा शिवलिंग बनाया जाता है। दोस्तों ये मंदिर के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 7874 फुट की ऊंचाई पर है। सदाशिव स्थान पर तप योग समाधि द्वारा युग युगांतरों से विराजमान है। आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, यहाँ की हिस्ट्री है। लकड़ी का स्तंभ है, काफी ऊंचा है। जय भोलेनाथ। दोस्तों अभी हम वापस जा रहे हैं और ये जो स्तंभ है ये बड़ा आकर्षक लग रहा है मुझे, क्योंकि ये लकड़ी का है और इतना बड़ा है और इसमें बीच में कोई जोड़ भी नहीं है जिससे इसकी हाइट लंबी की गई हो। ये सिर्फ एक पेड़ है जिसको शेप दी गई और यहाँ पे लगाया गया हुआ है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोस्तों तो अब हम वापस जा रहे हैं, आपको भी अच्छा लगा होगा ये व्यू देख के, पर लेकिन आप जब भी कुल्लू आओ तो मोस्ट प्रेफर्ड प्लेस आप सब के लिए, क्योंकि कुल्लू मैं पहले भी आया था लेकिन यहाँ नहीं आया था और आज पता लगा कि मैंने क्या मिस किया था कुल्लू आने पे,
बहुत ही सुंदर व्यू है और वेदर भी बिल्कुल साफ। चलो दोस्तों, अभी 10:30 हो चुके हैं और मंदिर से थोड़ा नीचे ही यहाँ पे एक ढाबा है। आंटी जी यहाँ पे परांठे तैयार कर रहे हैं। हम अभी एक एक परांठा खा लेंगे, फिर रास्ते में कहीं लंच करेंगे। क्या बोलते साजन जी? मेरे हिसाब से करी लेनी चाहिए। क्या लंच ही कर लेना चाहिए सब कुछ एक साथ ही, फिर डिनर करना है? ठीक है, आप क्या बोलते हो? एक एक परांठा बाकी नीचे। बाकी नीचे ना। हेलो, चलो ठीक है, अभी हम एक एक परांठा खाएंगे फिर हम घर के लिए चलेंगे नीचे। दोस्तों अभी 11:40 हुए हैं और हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं। बिजली महादेव का हमने ट्रैक कंप्लीट करके ऊपर हमने ब्रेकफास्ट किया परांठे का, जैसे कि आपको पहले बताया था। देखिए दोस्तों, अभी हम मुंतर पे हैं। यहाँ पे पार्वती और व्यास नदी आपस में मिलती हैं। ये पुल है क्रॉसिंग का। दोस्तों फिर से हम जिस रास्ते से आए थे उसी पे वापस आ गए हैं। ये रास्ता बजौरा के बीच बाजार से ही कटता है। मंडी देखिए 50 किलोमीटर, कटौला 29 किलोमीटर। हालांकि अब इसमें मंडी नहीं जाएंगे, कटौला से थोड़ी सी आगे कटिंडी जगह है, वहां से हम फिर से राइट टर्न होकर दरंग में निकलेंगे सीधे और सीधा आगे अपना पालमपुर बैजनाथ वाला रूट पकड़ेंगे। ये वैसे सिंगल रोड है लेकिन ट्रैफिक कम होती है यहाँ पे और अच्छा रूट है ये।